ठीक है तो सर क्या स्थिति है आज की? कल जो 30 लोग पॉजिटिव आए हैं उसके बाद इंदौर जिले के पॉजिटिव का आंकड़ा 945 तक पहुंच गया है और इसके साथ ही कल एक मृत्यु दर्ज की गई थी तो मृत्यु का आंकड़ा भी 53 हो गया है। 12 मरीज केम्स मेडिकल कॉलेज से और 4 मरीज MRTP से डिस्चार्ज किए गए थे। अभी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और उनका सिर्फ कोरोना की जो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने का इंतजार हो रहा है, संभवतः एक या दो दिन में वो लोग भी हमारा छुट्टी करा देंगे। उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा काम अभी चल रहा है वो है सर्वे का, कंटेनमेंट एरिया में जो सर्वे हमें करना था लगभग 2000 टीमें नगर निगम की सहायता से और प्रशासन की सहायता से बना ली गई है। अब इन टीमों के द्वारा नियमित सर्वे किया जा रहा है और ये ILI और सारी यानी कि इंफ्लुएंजा लाइक इंडेस और सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इंडेस इनका सर्वे हम लोग करा रहे हैं और एक ही घर में जाकर जो भी 15 साल के बड़े लोग हैं उनमें ये देख रहे हैं कि किसी को सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है। इनके द्वारा परीक्षण करने के बाद प्रत्येक 20 टीमों पर एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की गई है, वो डॉक्टर के द्वारा कंफर्म किया जाता है और अगर आवश्यकता पड़ती है तब हम जाके उसका सैंपल लेते हैं। वर्तमान में हम 14 लाख से अधिक लोगों का परीक्षण कर चुके हैं। इंदौर की जनसंख्या लगभग 30 लाख है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 या 4 दिनों में अधिकतम 1 सप्ताह में हम लोग पूरा शहर सर्वेक्षण कर लेंगे। सर ये इसमें सैंपल नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ स्क्रीनिंग की जाएगी? अभी सिर्फ स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद चिकित्सक उनको देखता है, यदि उसे आवश्यकता महसूस होती है तो वो उस सैंपल के लिए कह देता है, उनके साथ में एक सैंपल की टीम भी देता है। सर अभी तक जितने किए गए हैं जो कर रहे हैं ऑन एन एवरेज कितने लोग इसे निकल के आ रहे हैं जिनका सैंपल किया जाना जरूरी? अभी इसमें से 25 के करीब लोग ऐसे थे जिनको संभावित की श्रेणी में रखा गया है, उनका हम सैंपल कराएंगे। और क्वारंटाइन हाउस की क्या स्थिति? क्वारंटाइन हाउस से हम लगातार लोगों जिनके 15 दिन हो चुके हैं और जो नेगेटिव थे उन लोगों को छुट्टी करते जा रहे हैं। इस वक्त वर्तमान में करीब 600 लोग क्वारंटाइन हाउस में भर्ती हैं। आगे और नए क्षेत्र कितने बढ़ गए हैं सर जो हमारे? नए क्षेत्रों से केस आए थे, 1 या 2 केस अभी नए क्षेत्रों से आए थे, उन क्षेत्रों को भी हमने क्वारंटाइन कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है और अब वहाँ भी वही सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो कि हम बाकी जगह कर रहे थे, यानी कि सारा एरिया सील करके वहाँ पूरा सर्वेक्षण किया गया। प्राइमरी कॉन्टैक्ट को और कोई भी अगर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो सिम्प्टोमेटिक हो इनको हम लोग क्वारंटाइन करेंगे।